हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है। सर्कल चैप्टर का है 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट इंस ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमको ये प्रूव करना है कि एक डायमीटर है, सर्कल में डायमीटर है, उसके इंड से दो टेंजेंट खींचा गया, दोनों तरफ इंड है, यहाँ पे इंड है, यहाँ पे भी इंड है डायमीटर का, वहां से दोनों तरफ टेंजेंट खींचा गया, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे का पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम बता दिए थे पहले वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी बता रहे हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जाता है सर्कल का, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, रेडियस का, अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे गिरा हो तो। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं, सर्कल और टेंजेंट जिस पॉइंट पे वो कॉन्टेक्ट मतलब टच किया हो, यानी कि इंटरसेक्ट किया हो। टेंजेंट सर्कल को बेसिकली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करता है, यहाँ पे उसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे तो उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक रेडियस खींचा दिया गया हो उस सर्कल का, तो वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, यानी कि 90 डिग्री बनाता है, इधर 90 बनाएगा, और ये एक लाइन है 180 का होता है, ये भी 90 होगा, इधर भी टेंजेंट है 90 होगा। तो ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ही हुआ, ये टोटल डायमीटर है, लेकिन यहाँ से अगर हो जाता तो रेडियस ही होता है, तो रेडियस ही है, इधर भी वही है, तो ये 90 हो गया। अब ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, CRO क्रॉसपोंडिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल कौन कौन सा है, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी किसके इक्वल है, ए बी एन के, ये इंटीरियर एंगल इक्वल है ए बी एन के, और एक और एंगल है ये वाला एम ए बी, एंगल एम ए बी किसके इक्वल है, ए बी एफ, एंगल ए बी एफ। अगर इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है, एक फॉर्मूला पढ़े थे 9 क्लास में, तो ये दोनों इस फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।